क्या प्रियंका करेगी निमरीत का टिकट टू फिनाले का सपना चूर चूर। तो दोस्तों आज हम इसी पे बात करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि टिकट टू फिनाले अनाउंस हो चुका है और इसी के साथ साथ निमरीत को कैप्टनसी मिली है, और अगर निमरीत ने अपनी कैप्टनसी पूरी की तो उनको टिकट टू फिनाले मिल जाएगा। जैसे कि घर वाले रूल्स फॉलो करें, सारे काम होते रहें और कोई भी विद्रोह ना करे, कैप्टनसी सही तरीके से पूरी हो, घर वाले बात माने, ये सब अगर हो गया तो निमरीत को टिकट टू फिनाले मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि आप सबको पता होगा कि मंडली में भी चार लोग हैं, निमरीत, सुम्बुल, शिव और एमसी स्टैन, और अर्चना सौदेरा की अलग टीम है और टीना शालिन और प्रियंका की अलग टीम है। लेकिन आपको अगर पता होगा कि मंडली में अभी ज़्यादा लोग हैं, अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो टीना बोल रही थी कि वो निमरीत के साथ फ्रेंडशिप अपनी मिस करी है, तो कहीं ना कहीं टीना मंडली में जाती दिख रही है। तो अगर आप नंबर वाइज देखो तो मंडली काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है और निमरीत के टिकट टू फिनाले में जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जो काम है जो होता रहेगा, अगर दो तीन लोग विद्रोह भी करेंगे, जो निमरीत को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनसे काम होता रहेगा और निमरीत को टिकट टू फिनाले मिल जाएगी। लेकिन अगर प्रियंका को निमरीत को ये टिकट टू फिनाले लेने से रोकना है तो उन्हें अर्चना और सौंदर्या को अपने ग्रुप में शामिल करना पड़ेगा, वो उनको भूल जाना पड़ेगा कि उनकी बनती या नहीं बनती, और टीना और शालिन को अपने ग्रुप में बनाए रखना पड़ेगा और पांचों मिलके निमरीत को टिकट टू फिनाले लेने से रोक सकते हैं। ये सब प्लानिंग चल रही है, लेकिन आगे क्या होता है वो तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।